हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू मेरी चैनल फैजल बॉक्स। दोस्तों कई से होंगे एकदम हाई होप, तो बड़े होंगे। तो भाई फिलहाल आज एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। तो भाई वो नया वीडियो क्या होने वाला है मैं आपको बाइक पे बैठ के बताने वाला हूँ। तो भाई फिलहाल आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं स्पीड का। तो भाई 0 to 100 अपनी कौन सी बाइक फास्ट जा रही है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहता है इस चीज़ का कि N160 अच्छी है या अपनी MT अच्छी है। तो भाई एक स्पीड कंपैरिजन में सोचा था दोनों बाइकों को आपको दिखाऊंगा। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर आप पूरा स्पीड कंपैरिजन देखने वाले हो N160 का और वर्सेस MT15 का कि कौन सी बाइक अपनी फास्ट यानी कि अचीव कर रही है 0 to 100 इन कितने सेकंड्स के अंदर। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और आप कैसा रहेगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई रोड पे लगा चुके हैं इसको 1 2 3 फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, भाई फोर्थ गियर पे अपनी भाई ये 100 टच की है। तो कितने सेकंड का आपको भाई स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो भाई कितनी सेकंडों के अंदर अपने भाई फोर्थ गियर में गई हुई आपको दिख रहा होगा भाई। और अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं भाई MT का कितने सेकंडों में भाई वो कवर की हुई है। तो भाई अभी हम लोग MT 150 का भाई 155 का 0 to 100 चेक करते हैं और फिर कंपेयर करेंगे भाई कि N160 से क्या ये फास्टेज है या नहीं फास्टेज है। तो मैं जैसा पहले दिखा दूँ यहाँ पे भैया व्हील कवर इंस्टॉल्ड है अपने MT में, तो हो सकता है इसका थोड़ा सा एक आध 0. कुछ सेकंड का फ़र्क पड़े, बट लेकिन ट्राई करेंगे फ़र्क ना पड़ने दें भाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। दो अटैम्प्ट मैं कर चुका हूँ, दोनों अटैम्प्ट में व्हील उठी है। तो अभी ट्राई करेंगे बिना व्हील, क्योंकि व्हील उठने के बाद भाई टाइम सेकंड ज़्यादा लग जाता है। 1 2 3 0 to 100 स्क्रीन पे आपको भाई शो हो रहा होगा कितने टाइम में ये रीच की हुई है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा लिटिल बिट पहले N160 की रीच की हुई है थोड़ा सा। बाकी आप लोग कमेंट से तुम बताओ भाई आपने देखा, आपने पूरा फुल इन्जॉय किया होगा वीडियो को दोनों बाइक के कंपैरिजन में। MT लवर N160 लवर दोनों आप लोग भाई देख सकते हो कि अपनी व्हील कवर लगने के बाद भी क्या परफॉर्मेंस दे रही है। वो विदाउट व्हील कवर है, दोनों की स्पीड भाई आप लोग देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, एक्सीलरेशन देख सकते हो। तो भाई कैसा रहा वीडियो वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। और एक चीज़ और है भाई, व्हील कवर लगाने के बाद मुझे लगता है थोड़ी सी पावर ड्रॉबैक होती है, जो इनिशियल का पिकअप होता है ना थोड़ा सा लो हो जाता है थोड़ा सा, बाकी कोई मेज़र नहीं करता, वो आपके एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसा लगा वीडियो भाई कमेंट सेक्शन बताना, और किस बाइक का और कंपैरिजन आपको चाहिए भाई स्पीड कंपैरिजन वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे से। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे होप सो आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई।